ड्रीम राइड के सेकंड व्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। हेलो नमस्ते सलोम सत श्री अकाल आदाब जुले वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन राज। अहमदाबाद में टाइम हो रहा है 3:30। अभी हम लोग का प्लान है पहले बाइक को वॉश करने जाने का, तो ये सजेशन एक्चुअली इसका था। मैंने सोचा था कि भाई आगे बारिश है तो बाइक भीगने ही वाला है, बट ही सेड बाइक को वॉश कर लेते। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, वो कर लेते, बाइक वॉश करके आएंगे, लंच करेंगे। इसने हमारे लिए ऑर्डर किया है, इसने ऑर्डर किया अपने लिए दाल तड़का और 3 पराठा, मेरे लिए बिरयानी। हम लोग बाइक वॉश करेंगे, बाइक वॉश करने के बाद लंच करेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद में तेरा इंडिकेटर हम ठीक करवा लेंगे। हाँ, मेरा राइट साइड का जो फ्रंट इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा, शायद से वायरिंग का कुछ लोचा है। देन मोस्ट प्रोबेबली वी विल गो टू डीकैथलॉन, रेनकोट एक बार देख लेते हैं। ओके, एंड बाकी फिर हाँ, हेयर कट कराना मुझे जो मैंने मिस कर दिया था, और मेरा पैकिंग थोड़ा सिस्टमैटिकली, हाँ इसका पैकिंग थोड़ा बाकी है, और मुझे अपना सामान थोड़ा इसको देना। यप, तो पैकिंग वगैरह निपटा के शाम में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। शाम को थोड़ा साइट सीइंग करने का प्लान है, ये इसका आइडिया था। अगर ऐसा हो रहा है इंटरेस्टिंग तो बना ही देंगे हम, चलो कोई बात नहीं। अहमदाबाद दर्शन भी करवा ही देंगे, अहमदाबाद हल्का फुल्का दर्शन हो ही जाएगा हमारा। डन, चलो सी यू, चलो मिलते हैं रास्ते में, मिलते हैं बाइक के साथ। बाय बड़ी, सोसाइटी का क्लिप्स छोड़िए, मेरे को ना वो 1970s का हॉरर स्टोरी वाला फील दे रहा है। सोच ये लाइट ब्लिंक हो ना, बाहर का लाइट ब्लिंक हो ना, टिक टिक टिक, ट्यूबलाइट भी है ये तो। नाइस सोसाइटी ब्रो, सही में लुक्स नाइस, बहुत ज्यादा सूदिंग एरिया है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है यार, सब सिस्टमैटिक एकदम मस्त लग रहा है। वेदर एकदम बोलते हैं ना, एकदम स्मूथ है, बादलों से घिरा हुआ है लेकिन बारिश का एक बूंद नहीं है, बहुत सॉफ्ट वेदर है, ठंड मतलब हल्की ठंडी हवा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ह्यूमिडिटी है हवे में बहुत ज़्यादा, वो फील हो रहा है। और अभी हम लोग अहमदाबाद के सिटी के सेंटर में नहीं है, आउटस्कर्ट्स के आसपास है। ये इसका घर एसपी रोड के एकदम सामने ही आता है, एसपी रिंग रोड के सामने, तो इधर ही हम लोग बाइक वॉश करने के लिए दे रहे। सामने किधर? चल हाँ चलेगा ना, क्या ही दिक्कत है भाई, ये वाइब बहुत सही लग रहा है, इनका घर देखो क्या मस्त लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, और ये रहा एक मंदिर, कौन सा मंदिर था रे वो? अच्छा माता का मंदिर है, बहुत सुंदर था भाई। अच्छा यहाँ पे हमारा बाइक वॉश होगा। ओके, फिलहाल प्लान ये है, अभी बज रहे 4:15, तो हम लोग ने बाइक को वॉश कराने का प्लान वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अभी मेरा आरी में काम है ही वैसे भी, तो आरी में जाने के बाद वहीं पे वॉश करवा लूँगा, बेस्ट है। तो फटाफट हम लोग का ये देखो हमारा लंच आ गया है, ये अभी हम लोग लंच फटाफट निपटाएंगे, निपटा के हम लोग जाएंगे आरी, आरी में अपना काम ख़त्म करके थोड़ा बहुत साइट सीइंग कर लेंगे और आज का शाम थोड़ा पीसफुली निकालेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है पानी का, और इसके लिए हमारे वाटर बैग में जो बचा कुचा पानी है हम लोग उसको निकाल रहे और बॉटल में डाल रहे, सो दैट अभी लंच के टाइम के लिए हमें पानी मिल जाए, और बाद में जो एक्स्ट्रा पानी चाहिए रहेगा वो हम लोग आरी के शोरूम में जब जा रहे तभी हम लोग खरीद ले। ये देखो बॉटल लेके आया भाई साहब, पानी का जुगाड़ हो गया, 2 बॉटल ऐसे भर गए, अब लंच करते फिर निकलते हैं। अभी 5 बज रहा है शाम का, लंच करके हम लोग अभी निकले हैं आरी के सर्विस सेंटर की तरफ, वहीं पे हम लोग अपना बाइक वॉश करा देंगे। मेरा यहाँ पे जो फोक है उसका ऑयल लीक हो रहा है, तो ये भी मेरा ये वाला राइट साइड का फ्रंट इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, तो एक दो काम है वो करवा लूँगा, करवा के बाइक वॉश करा के वापस आ जाऊँगा। हैंडल बार जो है हल्का सा लेफ्ट की तरफ हो गया है। एक्चुअली हम लोग कल मुंबई से स्टार्ट किए थे,
तो हम लोग का यहाँ पे स्टे है ना, तो मेरे हिमालयन में दो तीन प्रॉब्लम हो रहा है, और इसका हिमालयन का थोड़ा हैंडल राइट में, और गाड़ी को वॉश भी कराना पॉसिबल होगा तो वो भी करा लेंगे सर। मेरा वाला जो गाड़ी है ना, इसका राइट साइड का इंडिकेटर का बल्ब नहीं जल रहा है, वायरिंग का कुछ इशू होगा ऐसा देख लो, और जो लेफ्ट साइड का फोर्क है ना उसका ऑयल लीक हो रहा है, बस यही दो दिक्कत है। हाँ उसका ऑयल थोड़ा लीक हो रहा है, वो दो दिक्कत है। अभी हमको कल सवेरे जयपुर के लिए निकलना है, तो सोच रहा था ये काम करवा के निकलूँ यहाँ से। जिगर भाई ने अभी हमको बोला कि मैकेनिक जस्ट अभी निकला है, तो मेरा जो कोक ऑयल का लीकेज का प्रॉब्लम था वो अभी नहीं हो पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं दिल्ली जाके कराऊँ वो काम। सिग्नल का काम हो जाएगा, इंडिकेटर का काम हो जाएगा, तो इंडिकेटर का काम करा के बाइक वॉश हो जाएगा दादा। मशीन देख लो एक बार, अगर वो हो सकता है तो बहुत बढ़िया, तो ट्राई करेंगे हम इंडिकेटर और बाइक वॉश करा के फिर हम निकले। थैंक यू सो मच भैया। ये देखो मेरा फोर कॉल यहाँ से लीक हो रहा है, तो मुझे ये दिल्ली में जाके करवाना पड़ेगा। देखो गली को इधर करा दो। अभी एक छोटा सा अपडेट है, मेरे जो आरी के मैकेनिक है राजू दादा, राजा भाई, उन्होंने उनसे मैंने ये प्रॉब्लम शेयर किया, उन्होंने मुझे बोला कि अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तू दिल्ली में जाके करा सकता है, 1000 किलोमीटर ये खींच लेगा। तो नेक्स्ट अपडेट इज मैं दिल्ली जाके इसका ऑयल सील लगा लूँगा, एंड आई जस्ट होप दैट विल फिक्स माई प्रॉब्लम। एक बार वो हो गया तो आई एम सॉर्टेड विद दिस। वेदांत अभी गया है उनके यहाँ अहमदाबाद के मैनेजर के साथ गाड़ी का टेस्ट लेने के लिए, उसका गाड़ी थोड़ा राइड में जा रहा है तो उसको बैलेंसिंग एक बार देखना था, तो उसी के लिए दोनों शायद से आगे गए और मैं रुका हूँ। कुछ आगे का अपडेट आएगा नया तो मैं बता दूँगा, अगर कोई अपडेट नहीं रहेगा तो मैं सीधा आपको रूम में मिलूँगा। थैंक यू दादा। इसका सर वायरिंग का कुछ देना? कुछ नहीं यार। थैंक यू सो मच जिगर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है तभी यहाँ का हमने काम ख़त्म करा दिया, जिगर भाई ने हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और अभी हम लोग जाएंगे रूम में हमारा सामान समेटने। बीच में भी एक राइडर चार राइडर आए थे, हाँ हाँ, केरला टू कश्मीर। अच्छा तो वो भी शाम को सैटरडे को ही आए थे। अच्छा बट उनका भी सेफ्टी पर्पज राइडर के लिए तो हम लोग पहले से ही। थैंक यू सो मच भैया, आप लोग रहते हो ना तो हमें आरी वालों का ना बहुत सहायता हो जाता है। नहीं नहीं सही, अरे उसमें क्या है सर, मैं इनको पहचान रहा हूँ, ये हमारे रेगुलर कस्टमर है, यहाँ पे ही रहते हैं ना। बराबर वही मेरे को छोटा मोटा याद है, बात हुई थी तो इनके सिवा आपका भी कॉन्टेक्ट हो गए। डन डन डन, यस कभी ज़रूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच भैया, चलो भैया मिलते। यप इंडिकेटर इज वॉकिंग, इंडिकेटर इज वॉकिंग, हैजार्ड इज वॉकिंग, ऑल गुड। पेरी पेरी वड़ा पाओ। हे भगवान, ये क्या चल रहा है, क्या मेन्यू बनाए ये लोग। गॉड फादर वड़ा पाओ, हाँ और लिस्ट पढ़ रहा हूँ मैं, और क्या बता तेरे को, क्या तेरा क्या स्टोरी। एक एक लीटर का ही बॉटल है। हाँ तो चलेगा ना, और क्या चाहिए, चार लेके, दो सादा दो ठंडा लेके कैसे रहेंगे, इधर रख के लेके जाएंगे और क्या करेंगे। उसके नीचे जैन वड़ा पाव का मेनू है, उसमें कांदा लहसुन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। राजन सर होते तो बहुत बढ़िया हो जाता उनके लिए, जैन वड़ा पाव मिल जाता उनको। एक बॉटल इधर रहेगा और एक मेरी गोदी में रहेगा। क्या बाउंस हुआ यार, रात के 11 बज रहे, इस कमीनी के वजह से हमारा पूरा काम अभी तक पेंडिंग है, हमारा पूरा पैकिंग बाकी है, और हमें सुबह 3 बजे उठ के 4 बजे निकलना था, ये इंसान जिम्मेदार है उसके लिए। कैसे, क्योंकि तुम इधर पड़े पड़े इधर सेना सेना कर रहे थे, 2 घंटा हमारा उधर बर्बाद हो गया। आपको पैकिंग के बाद मिलता हूँ, गुड नाइट।